हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नोई डूट में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ने विज्ञापन निकाल दिया है। राजस्व लेखपाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ गया है और मुख्य परीक्षा के लिए आपको आवेदन करना होगा 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म में संशोधन 4 फरवरी तक किया जाएगा, लेकिन सभी डिटेल में संशोधन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि आप कुछ करेक्शन ही कर पाएंगे। तो क्या क्या करेक्शन होगा मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, एग्जाम डेट के बारे में अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा चुनाव के बाद अप्रैल में हो। दोस्तों, लेखपाल भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस के नाम पर आपको 25 रूपए देना होगा। तो फिलहाल जब आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको 25 रूपए का फी पेमेंट करना होगा। दोस्तों, जिन्होंने पीईटी 2021 की परीक्षा दी है, सिर्फ वही लोग राजस्व लेखपाल के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाद में यूपी ट्रिपल एससी शॉर्ट लिस्ट करेगा पीईटी के नंबरों के आधार पर। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो जो भी छात्र 7 लिस्टेड होंगे, सिर्फ वही लोग लेखपाल के एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन दोस्तों, फिलहाल में जिन्होंने पीईटी की परीक्षा दी है और 12वीं पास की है, वह राजस्व लेखपाल के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाद में दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के नंबरों के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। शॉर्ट लिस्ट हुए लोगों को लेखपाल के लिए एक बार फिर से आपको पेमेंट करना होगा। कितने का पेमेंट होगा ये अभी बताया नहीं गया है, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड लोगों को वह निर्धारित पेमेंट करने के बाद ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, जिसको लेके आप लेखपाल का एग्जाम देंगे। और दोस्तों, इतने लोगों का शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, उनको पेमेंट नहीं करना होगा और वो राजस्व लेखपाल के एग्जाम में नहीं बैठेंगे। इसीलिए अभी आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस 25 रूपए लिया जा रहा है। दोस्तों, पूरा फॉर्म भरने के बाद आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा ताकि कोई समस्या न आए। दोस्तों, एप्लीकेशन में संशोधन की बात करें तो इसमें दिया गया है अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। यदि आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई है रजिस्ट्रेशन के समय, तो आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करें, उसके बाद आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे। करेक्शन किसमें होगा वह आप देख लीजिए। नाम में वर्तनी की गलती, पिता के नाम में वर्तनी की गलती, एड्रेस में कोई गड़बड़ी, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे जाति आधारित आरक्षण से संबंधित कुछ है, जाति की श्रेणी अलग कुछ गलती हुई है, जेंडर में कोई गलती हुई है, तो आप ये सब करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और करेक्शन नहीं होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई गलती है और आपने फी पेमेंट नहीं किया है तो आप अलग से दूसरे फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करके। और इसमें कोई गलती है तो आप इसका करेक्शन कर पाएंगे, इसलिए अपने फॉर्म को कंप्लीट करके पेमेंट कर लीजिए और प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। लास्ट में जाकर आप करेक्शन कर लीजिएगा। दोस्तों, करेक्शन करने के बाद वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल कर रख लें, पुराना वाला ही मत रखिएगा। दोस्तों, यहां पर मैं पदों की संख्या बता दूं तो यहां पर पदों की संख्या है 8085, जो कि कैटेगरी वाइज पदों की संख्या दी गई है। बाकी सारे चीजें इसमें दी गई हैं, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ दिया गया है, 12th पास मांगा गया है और इसमें ट्रिपल एससी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनिवार्यता योग्यता 12वीं होनी चाहिए। दोस्तों, आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों बीच में दिया गया है निगेटिव मार्किंग और पूरा सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों आप फॉर्म को कैसे भरेंगे। दोस्तों, 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आवेदन कर लीजिएगा, क्योंकि पीईटी के समय हजारों छात्र अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे। लास्ट में सर्वर काफी बिजी हो गया था और वेबसाइट रिस्पोंड नहीं कर रही थी, इसलिए आप लास्ट में आवेदन न करें, पहले ही आवेदन कर लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, आप यहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से क्लिक करके सीधे इस पेज पर आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जाएंगे लाइव एडवर्टाइजमेंट पर। वहाँ पर दोस्तों नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो पहले नंबर पर दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास दूसरा पेज खुलकर आ गया है नोटिफिकेशन का, जो कि हमें पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं अप्लाई पर सिंपली क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम लोग नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अपना पोस्ट देख सकते हैं, लेखपाल का दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमारे पास इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है इम्पोर्टेंट नोट्स, इसको जरूर रीड कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करेंगे। इसके बाद दोस्तों आई एग्री पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के दो मोड दिए गए हैं, पहला थ्रू पर्सनल डिटेल और दूसरा थ्रू ओटीपी। आप जिस माध्यम से भरना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं थ्रू ओटीपी के माध्यम से भरना
भरना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपने जो मोबाइल नंबर पीईटी में दिया था उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना कैप्चा कोड फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमको नोटिफिकेशन आ गया है, इसको ओके करेंगे। पहला स्टेप इसमें दिया गया है, आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, आपको सीधे नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है डिटेल फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट लेखपाल, इसको यस करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना किस ईयर में 12वीं पास की है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करेंगे, जो 12वीं का रोल नंबर है इसको फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट का इशू डेट इसमें फिल करेंगे, आपका इशू डेट क्या है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना परसेंटेज, यानी आप यहाँ पर अपना कितने नंबर में से कितने मार्क पाए हैं इसको फिल करेंगे और अपने बोर्ड का यहाँ पर नाम लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप अपना कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा रजिस्ट्रेशन का, इसको ओके कर देना है। तो दोस्तों हम लोगों का पहला स्टेप हो चुका है, दूसरा स्टेप में फोटो और सिग्नेचर का दिया गया है। तो दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, आप यहां से देख सकते हैं और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको प्रिंट कर देता हूं। इसके बाद दोस्तों नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपने जो पीईटी में अपना फोटो और सिग्नेचर दिया था वही फोटो सिग्नेचर आपको दिखा रहा है, आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद नीचे कंटिन्यू दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। दूसरा स्टेप हो गया है दोस्तों, अब तीसरे स्टेप में हम लोग आ गए हैं, पर्सनल डिटेल आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहां पर क्वालिफिकेशन नेम देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर एड्रेस डिटेल दिया गया है, आपने जो पीईटी में एड्रेस फिल किया था वही एड्रेस यहां पर दिखा रहा है। यहां पर दोस्तों डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको टिक कर लेंगे और इसकी क्या कंडीशन है इसको पढ़ लेंगे, यानी रीड कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों कैप्चा यहां पर फिल करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। दोस्तों एक बार फिर कंफर्म के लिए आएगा नोटिफिकेशन, इसको ओके कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास फाइनल सबमिशन कंफर्मेशन आ गया है, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एडिट करना तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पर सिंपली यहां पर मैं प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक करूंगा। यहां पर हमको नोटिफिकेशन आ गया है, इसको ओके करेंगे। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग फीस 25 रुपए लग रहा है, तो मैं सिंपली क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करूंगा। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पर एक और नोटिफिकेशन पे का आ गया है, इसको ओके करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग पेमेंट मोड पर आ गए हैं। दोस्तों यहां पर दिया गया चूज पेमेंट ऑप्शन, उसके नीचे दिया गया स्टेट बैंक, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों प्रोसीड फॉर पेमेंट का एक बार फिर से नोटिफिकेशन आ गया है, इसको ओके करेंगे। तो दोस्तों यहां पर दिया गया एप्लीकेशन फी पेमेंट। इसके बाद दोस्तों नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहां पर स्टेट बैंक दिया गया है, इसको टिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बार बार हमें नोटिफाई कर रहा है ओके करने के लिए, हम लोग इसे ओके करते जाएंगे। फिर से हम इसको ओके कर देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग दूसरे पेज पर आ चुके हैं, स्टेट बैंक मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम पर। यहाँ से दोस्तों आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर UPI के माध्यम से पेमेंट कटाना चाहता हूँ, यानी पे करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। आप दोस्तों जिसके माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है BAP मोड और QR कोड दिया गया है, तो मैं BAP पर क्लिक करूंगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर अपना UPI ID डालेंगे, तो मैं अपना UPI ID फिल कर देता हूं। इसके बाद दोस्तों VAP रिमार्क दिया गया है, इस पर आप कुछ नाम लिख सकते हैं याद रखने के लिए या इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट कट चुका है। यहां से दोस्तों आप कैंसिल मत कीजिएगा, 3 मिनट के अंदर में आपका पेमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा, प्रोसेसिंग चल रहा है, तो इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पेमेंट फेल्ड भी हो सकता है। दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि प्रोसेस होने के बाद यहां पर ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस रहा, यहां पर इसको ओके कर देंगे। दोस्तों यहां पर प्रोसेसिंग चल रहा है, इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरे पेज पर आ गए हैं, पेमेंट नॉलेजमेंट रिसिप्ट पर। तो दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि आपका पेमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इसको हम प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करके, तो हमारा ये पेज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे। यहां पर
दोस्तों आपका दिया गया रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम, ट्रांजेक्शन आई डी दी गई है, आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट दिया गया है, एप्लीकेशन फीस टाइप दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप इसे आप प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए, तो मैं सिंपली इसे प्रिंट कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोगों ने लेखपाल के फॉर्म को कैसे फिल किया है, बहुत इजी तरीका था, आप भी फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।